हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एक ऐसा DIY जो कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं। एंड आई एम टेलिंग यू, दिस विल गिव यू एन अमेजिंग रिजल्ट इफ़ यू यूज़ दिस फॉर 5 to 7 days रेगुलरली। इसके लिए मैंने 3 ही चीज ली है, आप देख सकते हैं। मैंने एलोवेरा का लीव लिया है, मेरे घर में एलोवेरा का प्लांट है तो मैंने वहाँ से ले लिया है। अगर आपके घर में है तो ठीक है, नहीं तो ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फिर मैंने ले लिया है ऑर्गेनिक हनी, मेरे पास मार्केट वाला हनी नहीं है तो मैंने ऑर्गेनिक हनी का यूज़ किया है यहाँ पर। और मैंने ले लिया है विटामिन ई का एक कैप्सूल जो कि आपको किसी भी मेडिकल शॉप में 30 रुपीज़ में मिल जाएगा। फिर आप एक नाइफ की मदद से इसका जो लीव्स का जो साइड है वो कट कर लीजिए, ये करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि मैंने दिखाया है आप वैसे ही कर लीजिए। जैसे कि हम सबको पता है कि एलोवेरा में एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम्स, विटामिन ए, विटामिन सी होता है जो कि ड्राई स्किन, एक्ने, सनबर्न और रेडनेस दूर करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और ये यूवी डैमेज से भी प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को। तो मैंने इसको फिर छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इससे क्या होता है, इससे वो इसका जो पल्प होता है वो निकालने में आसानी हो जाता है। तो आप बिल्कुल ऐसे ही कीजिए। फिर नाइफ की मदद से इसका एक सरफेस ऊपर का जो छिलका होता है वो निकाल लीजिए। ये आप कीजिए बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसका जो पल्प है वो बहुत ही स्लिपरी है तो आपका हाथ काट हो सकता है, तो इसलिए आपको बहुत ही केयरफुल रहना होगा। हनी बहुत ही अच्छा होता है हमारे स्किन के लिए, ये एक्ने रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्प करता है और स्किन सेल्स को हील करता है। और विटामिन ई जो सन डैमेज होता है उसको ये रिड्यूस करता है और प्रिवेंट करता है। जैसे कि हम सबको पता है कि एलोवेरा ऑल इन वन प्रोडक्ट है, तो इसको आप कहीं पे भी यूज़ कीजिए, अपने बॉडी पे यूज़ कीजिए, अपने फेस पे यूज़ कीजिए, अपने हेयर पे यूज़ कीजिए, ये सारे यूज़ में ही आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट देगा। फिर आप देख सकते हैं मैंने इसका पल्प निकाल लिया है एक स्पून की मदद से। तो आप वैसे ही कीजिए जैसे मैंने दिखाया है, आप एक हाथ की मदद से इसको पकड़िए और एक स्पून की मदद से इसका जो पल्प है वो निकाल लीजिए। तो हमने इसका सारा पल्प निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। फिर हम इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लेंगे। फिर मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है बहुत ही अच्छे से, आप देख सकते हैं। फिर मैं इसको एक कटोरी में निकाल रही हूँ। इसके साथ मैं ऐड कर रही हूँ हनी। इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीबन ही हनी ऐड किया है और मैंने जो विटामिन ई का कैप्सूल है उसको डाल दिया है इसमें। फिर आपको इसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करना होगा। इसको ज़्यादा फेंटना नहीं है, आप इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लीजिए। फिर आपके पास जो भी आइस ट्रे है उसमें ये डाल दीजिए। इसको ज़्यादा नहीं बनाना है क्योंकि ये 1 हफ्ते से ज़्यादा चलेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा। तो आप कम ही क्वांटिटी में बनाइए कि 1 हफ्ते तक ही चले। फिर आपको अगर लगे कि हाँ मुझे और ज़्यादा चाहिए तो आप फिर बना लीजिए। फिर आपको ये फ्रीज़र में रखना है जब तक कि ये जम ना जाए। जब ये जम जाएगा फिर हम इसको निकाल लेंगे। ये देखिए कैसा जम के आया है, ये जो मैंने आइस क्यूब बनाया है आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से ये निकल कर आया है। अब मैं इसको अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखाऊंगी। आपको जहाँ पे भी ज़रूरत है वहाँ पे यूज़ कीजिए, आप वहाँ पे अच्छे से इसको रब कीजिए। फिर हल्के हाथों से इसको मसाज कीजिए थोड़ी देर तक। अच्छे से मसाज करने के बाद आप नॉर्मल पानी से इसको धो लीजिए। फिर आप नोटिस करेंगे कि
स्किन का जो आपका जो बर्न है, जो रेडनेस है, वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और ये बहुत ही अच्छा आपको ग्लो देगा स्किन पे। ये था आज का DIY। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे सेफ, स्टे होम। बाय बाय।